हमारी जिंदगी में एक ही जारा थी और एक ही जारा रहेगी। कोई दूसरा हमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। सिर्फ तुम्हें चाहते हैं। हम यहां रहने के लिए नहीं आए थे। हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है। अब हम वापस जा रहे हैं। कह दिया जो तुम्हें कहना था। अब तुम हमसे बात करोगी अकेले में। हमें कोई बात नहीं करनी है। बात करनी पड़ेगी तुम्हें। हम तुम्हारे लिए ना महरम है। हमारा हाथ छोड़ो। हम अपना हाथ हजार बार धो लेंगे जारा, लेकिन तुम्हारा ये हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे हम। तुम हमारे साथ जबरदस्ती नहीं ड्रामा करना बंद करो जारा। बात करनी पड़ेगी तुम्हें। बात करनी पड़ेगी। कबीर हमारा हाथ छोड़ो। हमने अम्मा के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम जबरदस्ती हमें कहीं नहीं ले जा सकते हो। जारा छोड़ो, चलो हमारा हाथ छोड़ो। जारा वो हाथ हमने तुम्हारी कलाई इसलिए छोड़ी जारा क्योंकि तुम गिरने वाली। लेकिन अब तुम गौर फरमा, तुम हमारे गोद में हो और अगर तुमने किसी भी तरह की हरकत की ना तो हम गिर जाएंगे। पर हम अच्छे से जानते हैं हमारी जारा अपने कबीर को कभी नहीं गिरने देगी।
ये क्या शर्मा रही हो? जाहिर सी बात है, 2 सालों में तुम्हारा वजन कम से कम 5 किलो तो कम हुआ होगा। हमारे जुदाई के गम में तुमने खाना पीना छोड़ दिया। कभी हमें नीचे उतारो। एक मिनट में थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी दे के मैं तुझे, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहां मुझे, दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। बंद कीजिए अपनी बकवास उस्तानी जी, बहुत सुन लिया आपकी। आपने हमारी जारा की जिंदगी बर्बाद कर दी है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। खुदा के लिए आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत वैसे भी खराब है, बीपी भी बढ़ गया है, आप शांत हो जाइए। खुदा आपने खराब की है उस्तानी जी, तबीयत आपने खराब की, आप है कौन? अरे सारी गलत फहमियां दूर होने के बावजूद हमारी जारा हमारे साथ रहने को तैयार नहीं, क्यों? अरे अम्मा तो हम है ना उस्तानी जी, अम्मा हम है, लेकिन अम्मी जान वो आपको बुलाती है। क्यों उस्तानी, बताइए क्यों? ये लीजिए, और चाहिए और देंगे आपको। अरे घर भेज देंगे, सड़क पे रह लेंगे, सब कुछ भेज देंगे, लेकिन हमारी सारा का पीछा छोड़ दीजिए आप। दादा को बख्श दीजिए, बख्श दीजिए आप। तुमने ये सोच भी कैसे लिया जारा कि हम तुम्हें अपने आप से जुदा होने देंगे? हम तुमसे प्यार करते हैं, पाक मोहब्बत की है हमने तुमसे, सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें अपने आप से जुदा होने देंगे? नहीं नहीं, हम ऐसा कर ही नहीं सकते जारा, क्योंकि पिछली बार जब तुम पे हमला हुआ था और तुम हमसे दूर गई थी, कई रात हम सो नहीं पाए जारा, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था हम तुम्हारे बिना करें क्या। तस्वीर भी नहीं कर सकते तुम्हारे बिना रहने का जारा, सोच भी नहीं सकते। जानना चाहती हूँ हम अल्लाह ताला से क्या मांगने लगे थे? हम अल्लाह ताला से अपनी मौत मांग रहे थे जारा। किसी बॉम्ब स्क्वाड में हम काम करने लगे कि कभी ना कभी किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करते वक्त कम से कम हमें एक जायज मौत तो आ जाए। लेकिन हमें वो भी नसीब नहीं हुआ जारा, से तुम मुल्ला जी कहती थी, याद है? उस मुल्ला जी ने प्यार करना तुमसे सीखा है। और टूट कर चाहना
तुमसे सीखा है ज़ारा। मर जाएंगे लेकिन तुम्हें अपने आप से जुदा नहीं होने देंगे हम, ये बात समझ लो तुम। हो ही नहीं सकता, नहीं। पता है जब दोबारा हमने तुम्हें देखा था पहली बार, तब हमें ये बात समझ में आई कि अल्लाह ताला ने हमें मौत क्यों नहीं दी। ज़ारा, अल्लाह ताला ने हमें मौत इसलिए नहीं दी क्योंकि वो चाहते थे कि हम तुम्हें दोबारा मिले। नहीं जाने देंगे तुम्हें। तुम्हारा ये हाथ, तुम्हारा साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जाएंगे। एक सेकंड रुकोगे? कबीर, मार के चाहूंगा। जाना चाहती हो ना तुम? हमें मार के जाओ। वही, तुम पागल हो। मार के जाओ हमें, क्योंकि हम अपने आप को नहीं मार सकते। नहीं कबीर, हमारी बात। मार के जाओ कबीर। तुम मारो हमें। कभी तुम आलिम हो, आलिम ही अच्छे लगते हो, आशिक बनने की कोशिश मत करो। हाथ छोड़ो हमारा। मार के जाओ। कभी लग जाएगी। नहीं मार पाई अपने कबीर को। तुम्हें क्या कबीर, हम इस दुनिया में किसी को नहीं मार सकते। हम लोगों की नाउम्मीदी को उम्मीदी में बदलते हैं। जो मौत पाने की बात करते हैं, हम उनको जिंदगी देते हैं। तो हमें जिंदगी दो। हमारी जिंदगी तुम्हारे साथ है। तुम जानती हो अल्लाह ताला ने हमें दोबारा क्यों मिला है ज़ारा? ये कैसे हुआ? ये हमारी मोहब्बत का, हमारी दुआओं का और हमारे यकीन का नतीजा था। किसी भी हालत में हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हाँ।
हमें माफ कर दो कबीर, पर हमें जाना तो पड़ेगा। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। किस हक से? हमें बताओ कबीर, हम क्या लगते हैं तुम्हारे? कौन सी हदीस, कौन से इस्लाम से तुम्हारा हक है हम पे? बस हमने तुम्हारे बिना जीने की आदत डाल ली, तुम भी हमारे बिना जीना सीख लो। हम जा रहे हैं। दूर तलक है सूना फलक, अब ढूंढे तुझको कहां, तू है किधर ना आए नजर, ना सुन ले ये इल्तिजा। अगर अब तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो हम इस आशिक कबीर की शिकायत किससे करोगी? आलिम कबीर से। उस आलिम कबीर से जो शहर काजी है। वो आलिम कबीर जिसका हर फैसला इस्लाम की बुनियाद पर होता है, और हमें यकीन है कि वो आलिम कबीर एक औरत पर जुल्म नहीं होने देगा। खालाजान आप ठीक हैं? सलमा बहन, हमारी वजह से आप ना तो परेशान होइए और ना ही अपना बीपी बढ़ाइए। हम आज के बाद आपके सामने कभी नहीं आएंगे। चुप, एकदम चुप। एक बात बता दें आपको उस्तानी जी, कबीर मियां हमारे दामाद रहे हैं और वो जारा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और जारा भी उनसे बहुत मोहब्बत करती है। कबीर मियां मनाने गए हैं ना, मना के वापस लेके आएंगे, आप देख लीजिएगा। नहीं अम्मा, हम किसी के कहने से नहीं रुकेंगे। जा रहे रोके हमारी बच्ची को रोक लिए। रोकिए जारा। Thank you.
जाना चाहती हो? अपनी बूढ़ी अम्मा और अब्बा को छोड़कर जाना चाहती हो?